दोस्तों, आपका एक लाइक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है, क्योंकि जब वीडियो पर लाइक ज़्यादा होते हैं तभी यह वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप किस पर देखना चाहेंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे खिलाड़ी की बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में जानकर आपके हौसले काफी मजबूत होंगे। आप आज जिस भी परिस्थिति में हैं, भले ही आपके पास काफी सारी सुविधाओं की कमी हो या फिर आपकी स्थिति काफी कमजोर हो या और कोई परेशानी हो, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आप जो भी काम करेंगे उसे पूरी मेहनत और हिम्मत से करेंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कैसलिंग आंकड़े की। दोस्तों, कैसलिंग आंकड़े का जन्म महाराष्ट्र के एक गांव सांगली में 8 दिसंबर 1992 को हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। कैसलिंग के पिता खेत में कड़ी मेहनत करने के बाद जैसे तैसे करके अपने घर को संभाल रहे थे। दोस्तों, अच्छे स्कूल में शिक्षा तो दूर, गांव के ही सरकारी स्कूल में काफी मुश्किलों से वे अपने बेटे को पढ़ा पा रहे थे। दोस्तों, कैसलिंग के पिता एक रेसलर रह चुके थे और अपने पिता को देखकर कैसलिंग भी रेसलिंग सीख रहे थे, लेकिन उनके स्कूल में कबड्डी को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था और इसी के चलते उन्होंने बचपन से कबड्डी पर ही ध्यान दिया और वह अपने स्कूल में होने वाली कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेते थे। दोस्तों, जब वे 15 साल के थे तो उन्होंने अपने स्कूल की ही एक टीम से डिस्ट्रिक्ट लेवल कबड्डी टूर्नामेंट में भाग लिया और अपने बेहतरीन प्रदर्शन के चलते उनके जिले के कबड्डी क्लब ने कबड्डी की अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप भी दी। दोस्तों, अब कैसलिंग गांव से निकलकर कबड्डी की बढ़िया ट्रेनिंग ले रहे थे और उनके पिता भी यही चाहते थे कि कैसलिंग बड़े होकर एक बढ़िया कबड्डी खिलाड़ी बने। लेकिन दोस्तों, जब कैसलिंग मात्र 20 साल के थे तो किसी बीमारी के चलते उनके पिता की मौत हो गई और परिवार का सारा भाग 20 साल के कैसलिंग पर आ गया। दोस्तों, अब तक कैसलिंग की पढ़ाई इतनी नहीं हुई थी कि वह कोई अच्छी नौकरी कर सके और इसी कारणों से उन्हें एक शक्कर की फैक्ट्री में काम करना पड़ा। दोस्तों, दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जैसे तैसे करके वह एक वक्त का खाना जुटा पाते थे और उन्हें मात्र 50 रुपए ही मिलते थे। इसी तरह उन्होंने 3 साल फैक्ट्री में काम किया। दोस्तों, इसके बाद कैसलिंग के अंकल ने उन्हें मुंबई में बुलाया। कैसलिंग के अंकल भारत पेट्रोलियम के लिए कबड्डी खेलते थे और उन्होंने कैसलिंग को भी कबड्डी खेलने के लिए भारत पेट्रोलियम की टीम में शामिल करने की कोशिश की, लेकिन अच्छे प्रदर्शन के बाद भी कैसलिंग को भारतीय पेट्रोलियम की टीम में हिस्सा बनने का मौका नहीं मिला और इस बात से निराश होकर कैसलिंग एक बार फिर अपने घर लौट गए। लेकिन दोस्तों, अगले ही साल अंकल ने उन्हें एक बार फिर मुंबई बुलाया और इस बार महिंद्रा कंपनी ने कैसलिंग को अपनी टीम से कबड्डी खेलने का मौका दिया। अपने बढ़िया प्रदर्शन के चलते स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नज़र कैसलिंग पर गई और अच्छी ट्रेनिंग के लिए कैसलिंग को गुजरात भेज दिया गया। इसके बाद भारत पेट्रोलियम की टीम ने कैसलिंग को कबड्डी खेलने के लिए अपनी टीम में चुन लिया। दोस्तों, इससे कैसलिंग की आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार तो आया था, लेकिन वे अपने परिवार को जरूरी सुविधाएं नहीं दे पा रहे थे। लेकिन दोस्तों, सन 2014 में जब प्रो कबड्डी लीग के ऑक्शन हुए तो उन्हें जिंदगी ने एक और मौका दिया और प्रो कबड्डी की टीम डबल डेंगली ने उन्हें 10 लाख की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वह आप अच्छे से जानते हैं। पहले सीजन में ही उन्होंने 14 मैच खेलकर 122 पॉइंट लिए। दोस्तों, यह बड़ा स्कोर था और इसके बाद अपनी कड़ी मेहनत और कबड्डी के प्रति समर्पण से कैसलिंग दिनों दिन कबड्डी की दुनिया में आगे बढ़ते गए। दोस्तों, सन 2015 में हुए साउथ एशियन गेम्स और बीच एशियन गेम्स में भी कैसलिंग को देश की तरफ से कबड्डी खेलने का मौका मिला और कैसलिंग आज जिस मुकाम पर हैं वह उनके बीते दिनों के संघर्ष की कहानी बयां करते हैं। दोस्तों, मुझे